अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हो आसिफ टेक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी दोस्त जानते हैं कि लाहौर समेत पंजाब भर में 10,000 कांस्टेबल व लेडी कांस्टेबल की भर्तियां जो है वो की जा रही हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, किस टाइप्स की जॉब होंगी और कैसे आप जो है इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो इसके बारे में टोटली A to Z जो है वो आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल आसिफ टेक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली कोई वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो वो भी आपको मिल सके। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो पे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, किस तरह की जॉब्स हैं, सारा कुछ। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूँ, लाहौर समेत पंजाब भर में 10,000 कांस्टेबल व लेडी कांस्टेबल भर्ती किए जाएंगे। मींस के लड़के और लड़कियां दोनों जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस हवाले से लाहौर समेत 19 अजला में 5,000 कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल की भर्ती का अमल शुरू कर दिया गया है। ठीक है, लाहौर समेत 5 बड़े शहरों में 600 ट्रैफिक असिस्टेंट्स भी भर्ती किए जाएंगे। ठीक है, इस तरह सूबे भर से 40 ड्राइवर्स भी भर्ती करने की मंजूरी दी गई है। ठीक है, इसमें 40 जो है वो ड्राइवर भी होंगे। अगर आप ड्राइविंग करना जानते हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। कांस्टेबल की सीटों पर भर्ती में 5% अकलियती होंगे, 15% खवातीन का कोटा है जो मुख्तस किया गया है। इसमें भर्तियों के लिए उम्मीदवारों की जो उम्र होगी वो 18 साल से लेकर 22 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी उम्र इससे ज्यादा है या कम है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये 4 साल का जो है वो वक्फा दिया गया है। तो अगर आपकी उम्र इसके दरमियान में है तो वो फिर आप अप्लाई कर सकते हो और आपके चांसेस भी बहुत ज्यादा रहेंगे। ठीक है, उम्मीदवार 12 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2020 तक जो है वो दरखास्त फार्म जो है वो हासिल कर सकते हैं। अगर आप कांस्टेबल या ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास जो है कम से कम इंटरमीडिएट की जो है वो सनद होना जरूरी है। ड्राइविंग के लिए मैट्रिक की सनद और ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो जरूरी होगा। तो ये सारी की सारी उसकी इन्फॉर्मेशन है, आप किस तरह से अप्लाई करोगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।